हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज का अपना लेक्चर है सरफेस टेंशन के, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो ये तो हम पढ़ चुके थे पहले, आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें से दो मेथड से पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, लेकिन आफ्टर मेथड के अकॉर्डिंग को अगर हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर भी थे तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये है मेथड नंबर सेकंड। ठीक है, किस चीज का देखते हैं। ये हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, एच इक्वल टू टू एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, किया था कि नहीं किया था? वही फॉर्मूला फिर से लाएंगे लेकिन एक अलग मेथड से, और वो जो दूसरा मेथड है वो यही है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इस मेथड का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इन ऑर्डर टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था क्या, कहाँ देखा था? अभी देखा ही नहीं, देखा था लास्ट लेक्चर में, देखा था जी। व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन लिक्विड, कोई भी कैपिलरी ट्यूब है पानी में, कहीं पर भी डुबो दीजिए किसी भी लिक्विड में, तो क्या होगा? दो केस बनेंगे, या तो वो लिक्विड कैपिलरी के अंदर राइज करेगा या फिर ये डिप्रेस करेगा। लिक्विड राइज कर रहा है मतलब क्या है, कॉनकेव शेप बन रहा होगा, थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। या फिर डिप्रेशन कर रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है मतलब क्या है, कॉन्वेक्स शेप बन रहा होगा और थीटा क्या रहा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो वही मैंने छोटी मोटी कहानी घुमा फिरा के लिखी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हम वही डेरिवेशन करेंगे लेकिन एक अलग तरीके से। तो उसके लिए मैंने अजम्पशन दिखाया। सपोज वी आर हैविंग ए ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इट्स डिप्ड इन टू ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड डेंसिटी रो। ऐसे लिक्विड में उसे रखा गया जिसका डेंसिटी रो है और सरफेस टेंशन एस है। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं डायग्राम बना सकूँ। चलिए, और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमने थीटा माना है। तो ये वो छोटी मोटी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं जो हमने कर ली। हम बड़े बुजुर्गों की बातें करेंगे। क्या है कि एक कंटेनर लिया, धीरे से कंटेनर ले लिया, किसी को पता नहीं चला। चलिए लिक्विड इसमें फिलअप करते हैं, तो ये लिक्विड भी मैंने फिलअप कर दिया। अब लिक्विड फिलअप करने के बाद इसमें क्या लेकर आए, एक कैपिलरी ट्यूब लाए, ये लीजिए एक कैपिलरी ट्यूब लेकर आए। ट्यूब लेकर आया और ट्यूब का रेडियस क्या माना है इन्होंने, स्मॉल आर माना है। तो स्मॉल आर है, यहाँ दिखा देता हूँ, ये ऐसा सर्कुलर, अगर इसका मैं सेक्शन दिखाऊंगा तो इसका रेडियस क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। ठीक, चलिए अब मान लेते हैं कि लिक्विड कुछ हाइट तक गया होगा। ठीक है, यानी कि जब कैपिलरी को किसी लिक्विड हमने क्या किया, डिप किया है, तो हमने मान लिया कि लिक्विड कुछ हाइट क्या कर गया है, रेस कर गया है। ठीक है, तो वो हाइट मैंने ये मान ली बच्चों, यहां तक, यानी कि यहां तक चला गया है। ठीक है, अब नीचे लिक्विड दिखा देते हैं, ये लो भाई, हमें क्या दिक्कत हो सकती है लिक्विड दिखाने में, ये लिक्विड शो हो गया यहाँ पर। चलिए फिर से बता रहा हूँ क्या किया, एक कंटेनर, कंटेनर में लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन एस है। फिर मैंने कहा कि कैपिलरी ट्यूब को लाए, उस ट्यूब का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। अब जैसे ही लाए तो उसमें हमने मान लिया कि हमें फॉर्मूला किसके लिए ड्राइव करना था, राइज के लिए। तो मैंने मान लिया कि एच हाइट तक ये राइज कर गया होगा, कितनी हाइट तक, एच हाइट तक। ओके, बहुत बढ़िया, अगर एच हाइट तक कर गया है मान लेते हैं ये एच हाइट है ना, तो जितनी भी एच हाइट हम दिखाएंगे इसमें एच हाइट है कुल मिलाकर के ये। ठीक है, चलिए अब इसे नाम देते हैं, ये मान लिया क्या है, ए बी ई और ये एफ। चलो बढ़िया, अब हमें क्या करना है, कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्ट ऑफ द लिक्विड रेस्ट इन द ट्यूब एंड दिस लिक्विड इज, क्या 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 है देखते हैं। हुआ ये है स्टूडेंट कि जैसे ही हम कैपिलरी को अंदर लेकर आए होंगे तो
क्या हुआ होगा? वह ये होगा कि कुछ लिक्विड राइज कर गया। तो जब लिक्विड राइज कर रहा होगा तब तो वो क्या था? मोशन में था। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ सेटलमेंट के बाद, कुछ लिक्विड ऊपर उठ जाने के बाद, एक समय, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब कोई राइज नहीं होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद ये और ऊपर नहीं जाएगा। सही, तो नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं? कंसिडर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं? इक्विलिब्रियम, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट पर जाएगा फिर रुक जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करें? अब हम देखना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम किसका देखना चाह रहे हैं? इक्विलिब्रियम हम देखना चाह रहे हैं जो लिक्विड ऊपर गया है ना। यही तो लिक्विड क्या था? जो सेटल नहीं हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन जितनी हाइट तक पहुंचा है उस हाइट के बाद तो क्या आ गया? ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इस वाले लिक्विड पोर्शन के लिए, इस कंप्लीट लिक्विड पोर्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम की बात करनी है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्ट ऑफ द लिक्विड। उस लिक्विड के पार्ट को लीजिए विच इज रेस्ड इन ट्यूब, जो ट्यूब में ऊपर गया है। दिस लिक्विड इज कंटेंट इन द वॉल्यूम, और वो जो लिक्विड है ये पूरा है। ये पूरा क्या है? वही तो लिक्विड है जिसमें जिसने हाइट राइज किया है। तो उसका वॉल्यूम ABEF। सही लिखा, यानी कि इक्विलिब्रियम देखना किसका? उस लिक्विड के पोर्शन का जिसकी वजह से हाइट ये आया है। किसकी वजह से आया? इस लिक्विड की वजह से आया है। उसको मैंने नाम दिया ABEF। ठीक है, यानी कि इसके वॉल्यूम के कारण जो भी क्या आएगा, इक्विलिब्रियम हमें बात करनी है, वो हम करेंगे। चलिए, नाउ वी विल कंसिडर फोकस, सॉरी, वी विल कंसिडर द फोर्सेस ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, कि इस पोर्शन पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो हम देखते हैं कौन कौन लगा रहा है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस लिक्विड का, इस पूरे लिक्विड का खुद का क्या होगा? वेट होगा। वेट रहा होगा तो वेट फोर्स नीचे लगेगा। चलिए, तो देर विल बी ए वेट फोर्स, तो मैंने वो वेट फोर्स यहां दिखा दिया बीच में। ठीक है ना, मतलब पूरे लिक्विड के कारण ही दिखाया है, लेकिन बीच में दिखाया। ठीक है, चलिए, वो मैंने यहां लिखा है कि देर विल बी ए वेट फोर्स डब्ल्यू ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, द वेट फोर्स डब्ल्यू ऑफ ए लिक्विड, एक फोर्स हो गया। चलिए अगला, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ऊपर तो पता ही नहीं सर, ऊपर इतना पता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, हाँ, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो हुआ ये कि जब प्रेशर किसी एरिया पर लगता है तभी तो फोर्स जनरेट करता है, यानी कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर, सॉरी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा? प्रेशर इंटू एरिया, यानी कि प्रेशर जिस एरिया पर लग रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। तो प्रेशर पता है लेकिन एरिया कहाँ पे लग रहा है? उसके लिए क्या करेंगे कि रेडियस हमें पता है, उसका रेडियस क्या है? आर है, स्मॉल आर। तो इस स्मॉल आर, तो इस स्मॉल आर के सर्कल के एरिया पे लग रहा होगा, है ना। तो हियर फोर्स, फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया कितना है? पी नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रेशर को, इस फोर्स को मैंने क्या कहा? देखिए, एफ टू ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एयर अबव द सरफेस। ठीक है, अबव द सरफेस, कौन सी सरफेस? इसे नाम दे देते हैं, ये सी और ये डी। तो अबव द सरफेस सी, ए बी सी डी, क्या कहेंगे इसे? अबव द सरफेस ए बी सी डी। ठीक है, तो इसे नाम दिया F2, तो मैं इसे लिख देता हूँ F2। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इन दो फोर्स की बात हो गई। अब ये जो नीचे वाला लिक्विड है, ठीक ना, ये इस लिक्विड का तो वेट नीचे लग रहा था, इस लिक्विड के ऊपर क्या लग रहा था? प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इस लिक्विड के नीचे भी तो इतना सारा लिक्विड है, वो भी क्या कर रहा होगा? इट विल प्रेशराइज, यानी कि ये भी प्रेशर लगा रहा होगा। लेकिन वो प्रेशर कहाँ लगा रहा होगा? यहाँ कहीं लगा रहा होगा। तो हम यहाँ पर भी बात करेंगे कि यहाँ प्रेशर कितना है, हमें पता नहीं। अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पर भी एक पॉइंट लेता हूँ, तो
यहां पर प्रेशर कितना? पी नॉट। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर है। अब दोनों पॉइंट सेम हो रहा है तो इंटर लेवल पर है, तो दोनों का प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पर भी प्रेशर कितना? पी नॉट। अगेन ये पी नॉट कौन से क्रॉस सेक्शन एरिया पर लग रहा है? जैसे ये वाला पी नॉट ट्यूब के पाई आर स्क्वायर एरिया पर लग रहा था, वैसे ये पी नॉट भी कहाँ लगेगा? पाई आर स्क्वायर वाले क्रॉस सेक्शन पर भी लगेगा। सही है। यानी कि यहाँ पर फोर्स क्या आ जाएगा? यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, एफ थ्री नाम दिया इसे, ठीक है। तो एफ थ्री इज इक्वल टू प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। देख लेते हैं इसे। F3 थ्री ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिलो, कौन सा? नीचे वाला लिक्विड, लिक्विड बिलो ई एफ, ई और एफ के नीचे वाला लिक्विड, ठीक है। इसकी बात हो गई, तीनों की बातें हो गई। अब बच गया कौन? एक और फोर्स बच गया है, कौन सा? तो एक और फोर्स जो बच गया उसकी बात करते हैं। अब एक और फोर्स लगेगा स्टूडेंट, सरफेस टेंशन, तो उसे मैं अलग से बताता हूँ आपको। इसे यहाँ लिख लीजिए, F1 by the surface tension of the tube on the surface ABCD of the liquid, ठीक है ना, लिखवा देंगे। उस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा जूम करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, ओफो, अभी ठीक? अरे अभी भी कहाँ ठीक? अब ठीक। चलिए डायग्राम तो बन गया, कैमरा भी चेक कर लिया, बढ़िया चल रहा। अभी यहां पर था ए बी और ये नीचे ई। डायग्राम जितना क्लीन आपको क्लियर कट दिखाई देगा उतना ही अच्छे समझ में आएगा, इसलिए इतना वक्त ले रहे हैं इसमें। तो ये ई और ये एफ, ठीक है। सबसे पहला फोर्स हो गया था कौन सा? कि वेट फोर्स लग रहा था भाई नीचे, आंखें बंद करके हमने लगा दिया, ठीक है। ई एफ, नीचे से एक प्रेशर लग रहा था पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। पी नॉट क्यों था? क्योंकि पी नॉट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर था एक ऐसे पॉइंट के साथ जिसका प्रेशर क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था, ठीक। यहाँ पर जो प्रेशर पी नॉट लग रहा था वो कितने एरिया पर लग रहा था? पाई आर स्क्वायर पर लग रहा था। इसको हमने कहा एफ टू, इसको हमने कहा एफ थ्री, और ये तो डब्ल्यू है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है स्टूडेंट कि हमें पता है कि लिक्विड और सॉलिड यहां पर कांटेक्ट में है, ये वाले लिक्विड, ये वाला लिक्विड सरफेस है ना, ये वाला लिक्विड सरफेस और ये वाला सॉलिड सरफेस, हर जगह क्या है? एक दूसरे के कांटेक्ट में, कांटेक्ट में है, तो दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? एडहेसिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दैट मीन्स There must be a surface tension. क्योंकि surface पर ही तो क्या लगता है? Surface tension लगता है, इसीलिए हम केवल किस पे बात कर रहे हैं? Surface पर। चलिए surface को मैंने नाम दिया A, B, C, D. तो वहां पर जो box बना रखा था ना पहले point में, वहां लिखना A, B, C, D. इस surface की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यही वाला तो ऊपर वाला surface है, free surface, बाकी क्या है? Bulk है। Surface tension कहाँ लगेगा? Free surface पे लगेगा, ठीक है। चलिए अब सरफेस टेंशन लगेगा, इट्स ओके, है ना, सरफेस टेंशन लगेगा, इट्स ओके। लेकिन उसे लगने के लिए क्या चाहिए होता है? कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एक कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है, यहां पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लिक्विड सॉल्यूशन है ना, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया था, इमेजिनरी लाइन, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हाँ सरफेस टेंशन ऐसा होता है, याद आया क्या? याद आया, मुझे तो आ रहा, तुम आया ना आया। चलिए जितना फोर्स इधर ये
इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, और दोनों ही फोर्स परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा ही परपेंडिकुलर ही होगा अगर सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो। और इसका सरफेस टेंशन एस हमने डिफाइन किया था क्या, फोर्स डिवाइडेड पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ है इसकी, इस लाइन की, यानी कि सरफेस टेंशन अगर यहां पर है तो ऐसे कोई लाइन हमें इमेजिन करनी पड़ेगी, सही है। ओके चलिए क्या करते हैं, तो स्टूडेंट इतना कंफर्म है कि देर विल बी ए फोर्स, देर विल बी ए फोर्स, कौन सा फोर्स, सरफेस टेंशन है ना, तो वो कहाँ लगेगा कैसे लगेगा उसकी हम बात करेंगे कि ये सरफेस वाला क्या लगाएगा, सरफेस टेंशन लगाएगा इतना हमें पता है, कैसे लगाएगा वो हम बात करने वाले। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिफाइन करते हैं ना, चलिए ये लिक्विड सरफेस है तो लिक्विड सरफेस के लिए ये इसका टेंजेंट टूवर्ड्स द लिक्विड और सॉरी अवे फ्रॉम द सॉलिड और ये टूवर्ड्स द लिक्विड, इस सॉलिड से अवे, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया थीटा जो हमने अजम्पशन में माना, ये तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, हाँ सर सही कहा। अब क्या करते हैं, कंसिडर एन इस कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन पोर्शन ऑफ लेंथ डी एल, लेंथ डी एल अलोंग द पेरिफेरी पेरिफेरी विच कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ लेंथ डी एल अलोंग द पेरिफेरी वेर लिक्विड सरफेस एंड ट्यूब मीट, वेर लिक्विड सरफेस एंड ट्यूब मीट। अब ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना अनिवार्य है यहां पर, कैसे देखिए करवाते हैं, इमेजिन भी करवाते हैं, लाता हूं कुछ एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट्स ये एक मैंने लिया है एग्जांपल इसे समझाने के लिए, क्या है कि कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ लेंथ डी एल अलोंग द पेरिफेरी, कौन सी पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है जैसे इसके चारों ओर एक ट्यूब है, ऐसा 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 ट्यूब तो चारों ओर होगी ना भाई, पिपेट देखा है केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर हम मान लेते हैं ऐसा मेनिस्कस बन रहा है, ये ऐसा मेनिस्कस बन रहा है, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा, सर्कल, तो ऊपर क्या बन रहा है, ये सर्कल, तो ये जो सर्कल है वो क्या कर रहा है, इस ट्यूब के कॉन्टेक्ट, इस सरफेस हर जगह कॉन्टेक्ट में है, यानी कि हर जगह है लेकिन डायग्राम में हमें दिख रहा है कहाँ पर, दो ही जगह, ठीक है। तो दो ही जगह है डायग्राम के टू डायमेंशनल के अकॉर्डिंग, लेकिन वास्तव में हर जगह, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी इस पेरिफेरी पर मैंने एक डी एल लेंथ का क्या ले लिया है, सरफेस ले लिया है, यानी कि छोटा सा पोर्शन लिया है, ठीक है। उसे क्या होगा सर, उसे ये होगा कि अब तो डी एल लेंथ कहाँ दिखाएंगे, देखिए इतना पता है कि जो सरफेस टेंशन होता है उसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा एस इक्वल टू एफ अपॉन डी एल, ठीक ना, एक छोटा सा जो हमने लेंथ लिया होगा डीएल कहीं पर भी है ना, तो ऊपर जितना फोर्स लग रहा होगा नीचे उतना ही फोर्स लग रहा होगा, एस इक्वल टू क्या आएगा, एफ अपॉन डीएल, और एस हमने माना है सरफेस टेंशन, चलिए तो एफ क्या आएगा, एस इंटू डीएल,
है, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल अपनी तरफ इतने फोर्स से उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, ग्लास ट्यूब को, कहां पर, जहां पर हमने डीएल लिया है। तो मान लेते हैं मैंने डीएल यहां लिया है, ठीक है, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का, ठीक है। अब यहाँ पेरिफेरी पर दिखाना मुश्किल है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि हाँ यहाँ पर डीएल लेंथ का है, ठीक है ना, डीएल लेंथ का है। तो ये ऐसा कुछ ऐसा घूम के जाएगा ऐसा ना, हर जगह ये ऐसा है डीएल लेंथ, ये ऐसा डीएल, ये छोटा सा डीएल लेंथ, ठीक है। अब इसे ऐसे अट्रैक्ट करेंगे कैसे, देखते जाइए, चलिए आगे बढ़े। यानी कितना पता चल गया, फोर्स इतना लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए लेक्चर वन क्या, कि फोर्स जो लगता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू एस इनटू डीएल एंड दैट एक्ट ऑलवेज, दैट एक्ट ऑलवेज टेंजेंशियली। कुल मिला के इतने फोर्स से लिक्विड उसे अट्रैक्ट करेगा कि भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना, एस इंटू डी एल, ठीक है। लेकिन हमें फोर्स देखना था किस पर, लिक्विड के ऊपर, ये नहीं देखना है कि लिक्विड किस पे लगा रहा है, हमें क्या देखना था कि लिक्विड पे कौन लगा रहा है ना। एफबीडी बना रहे हैं, चार फोर्स लिखाए थे शुरुआत में, तो ये तो फोर्स क्या है, लिक्विड खुद लगा रहा है किसी और पर, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लिक्विड पे कौन लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि लिक्विड सरफेस ने जितना फोर्स लगाया होगा ग्लास ट्यूब पर, उतना ही फोर्स वापस ग्लास ट्यूब लगाएगा, उतना ही फोर्स ग्लास ट्यूब लगाएगा किस पर, लिक्विड सरफेस पर। तो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल एक्ट ऑन लिक्विड सरफेस, विल एक्ट ऑन लिक्विड सरफेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मी नॉट, ड्यू टू ग्लास ट्यूब, है ना, ड्यू टू ट्यूब, यानी ट्यूब की वजह से लिक्विड सरफेस पे इतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल एक्ट ऑन लिक्विड सरफेस बाय ड्यू टू ट्यूब इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन कर दो उसका, वहीं पर लगेगा, समझे क्या। तो मैं इस फोर्स को नहीं दिखा करके कौन सा फोर्स दिखाऊंगा, मैं इस फोर्स को नहीं दिखा करके इसी के ऑपोजिट में लगने वाला फोर्स ऐसे दिखाऊंगा। पहले तो लग रहा था टेंजेंशियली, वो सही लग रहा था, लेकिन मुझे वो फोर्स दिखाना ही नहीं था, मेरे वो काम का ही नहीं था, क्यों, क्योंकि मैं कर रहा हूं इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन, किसका, इस पूरे लिक्विड का, यानी कि अब मुझे देखना है इस लिक्विड वाले पोर्शन पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये नहीं देखना है कि ये किस पे लगा रहा है। तो ये इस पर कौन कौन लगा रहा है, एक ग्रेविटी लगा रहा है, एक ऊपर वाला प्रेशर लगा रहा है, एक नीचे वाला प्रेशर लगा रहा है, एक सरफेस टेंशन लगा रहा है, कौन लगा रहा है सरफेस टेंशन कारण, ये ग्लास ट्यूब लगा रहा है लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो ये भी कैसे लगा है, टेंजेंशियल, ओके। तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि टेंशन लगता है, वरना थ्रू आउट द चैप्टर हम केवल पहले लेक्चर में पढ़ते हैं कि हाँ टेंजेंशियल होता है ना, यहाँ जाके लास्ट में काम आता वापस। चलिए अब केवल बच गया मैथमेटिक्स, लिख लीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू। देखिए तो एक फोर्स ये था, एक फोर्स ये है, एंगल थीटा ये है, और एक तरफ फोर्स ये लग रहा है, F1 इज नोन एज SDL, करेक्ट। चलिए बढ़िया, अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जी हाँ नहीं रोक सकती। चलिए तो इधर कितना लग जाएगा, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कितना आएगा,
एस डी एल कॉस थीटा है ना, और इधर एस डी एल साइन थीटा। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो हम क्या करते हैं कि इधर अगर एस डी एल लग रहा था तो इधर भी तो लगेगा। हाँ सही कहा आपने, तो सही है, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। चलिए अब लेकिन हमें एक आइडिया दे देता हूँ। चलिए एस डी एल कॉस थीटा, इधर क्या लगेगा, एस डी एल साइन थीटा। तो कोई भी दो आप क्या लेंगे, कोई भी दो स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन लीजिए, यहां वाला और यहां वाला लिया। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बोथ विल गेट कैंसिल्ड, क्या बचेगा, वर्टिकल। ये दो, अब छोड़िए इन दो को, इन दो को लीजिए, क्या आ जाएगा, फिर से हॉरिजॉन्टल आएगा, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल बचेगा एडअप। फिर से यानी कि पूरी पेरिफेरी पर जो फोर्स होगा केवल किसकी वजह से, कंट्रीब्यूशन में आएगा, यानी कि ओवरऑल जो नेट फोर्स होगा ऑलवेज एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। फिर से सुनिए क्या, कि किसी भी एलिमेंट्री पोर्शन को लीजिए, एक आता है हॉरिजॉन्टल, एक आता है वर्टिकल, और आमने सामने के लिए तो क्या हो रहा है, वही दो कैंसिल हो रहे, ये दो कैंसिल ली, ये दो कैंसिल हो गए, यानी कि ये दो लीजिए कैंसिल हो गए, ये दो लीजिए, ये दो लीजिए, ये दो लीजिए, ये दो लीजिए, सब जगह हॉरिजॉन्टल विल गेट कैंसिल्ड, वर्टिकल विल रिमेन। यानी कि इस पूरी घटना में जो ओवरऑल फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, विल एक्ट ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए तो बढ़िया है, ठीक है ना, ये समझने के लिए इसे लिख लेना। ठीक है, लेकिन हम कहाँ पर लिए, केवल एलिमेंट्री पोर्शन यहाँ पर लिए हैं, तो इसी का एनालिसिस करेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ, लेकिन आप लिख के रख लें। चलिए अब हम करते हैं ओवरऑल इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो इन इक्विलिब्रियम क्या आएगा, कि एफ टू नीचे की तरफ लग रहा, डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सही है, बढ़िया। अपवर्ड फोर्स ऊपर कौन कौन लग रहा है, एस डी एल कॉस थीटा, और ये लग रहा है एफ थ्री, तो एस डी एल कॉस थीटा प्लस एफ थ्री लग रहा कितना, पी नोट पाई आर स्क्वायर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, नीचे लग रहा है कि ये एफ टू प्लस, और नीचे लग रहा है डब्ल्यू। चलिए खत्म हो गया, तो ये तो एक ही लाइन का है वैसे, तो इतना समझाया उसी में लगा हटाए, है ना, मिटा दें इसे, नहीं मिटाएंगे, इसी में आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एस डी एल कोस थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू एस डी एल कोस थीटा। बढ़िया, अब देखिए कहानी यहां से बदलेगी थोड़ी सी। डब्ल्यू इक्वल टू वॉट, एम जी, कि अगर जो पूरा लिक्विड है उसका मास मान लेते हैं एम है, ये पूरा लिक्विड ए बी ई एफ, ओके, मास इक्वल टू वॉट, मास इक्वल टू मास है ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि मास की जगह क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सही है, अच्छा उससे भी पहले एक इसे यहीं पर रखते हैं, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, क्या कि ये जो था एलिमेंट्री पोर्शन पर था और ये जो था क्या था, पूरे लिक्विड पर था, तो इससे पहले वापस यहाँ पर आइए, है ना, क्या था कि ऑन डी एल एफ वन इज इक्वल टू वॉट, एस डी एल कॉस थीटा, सो फॉर कंप्लीट पेरीफेरी, कंप्लीट पेरीफेरी पूरा कितना फोर्स होगा, क्योंकि पूरी सरफेस पे हमें निकालना है, तो एफ वन इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रल एस डी एल कॉस थीटा, उसे इक्वेशन वन नाम दे देना, है ना, या फिर से करवा दूंगा, डी एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब क्या है, पूरी पेरीफेरी का इंटीग्रेशन, वो कितना आएगा, टू पाई आर, अभी ठीक है, तो एफ वन का वैल्यू कितना आ गया, टू
टू पाई आर एस कॉस थीटा, ठीक है, तो बस खत्म हो गया, इसे लिख लीजिए। नाउ इन इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, नीचे लगेगा ऊपर वाला फोर्स पहले लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एस बी एल SDL cos थीटा था क्या, गलत लिख दिया, ये SDL था, यहाँ पर आ जाएगा SDL cos थीटा, यानी कि 2 पाई आर एस cos थीटा, ये हुआ, ठीक है। हाँ बस फोर्स ही लिखा है, इतना टेंशन मत लो, ऊपर वाला फोर्स F1 और ऊपर वाला फोर्स F3, नीचे वाला फोर्स F2 और ये प्लस W, खत्म हो गया बस। देख F1 हो गया क्या, 2 पाई आर एस कॉस थीटा प्लस F3 कितना हो गया, F3 हो गया बच्चों पी नॉट पाई आर स्क्वायर, F2 पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस W, W तो W है, W का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, है ना। चलिए इसे वापस लिख दें, क्या जाएगा 2 पाई आर एस कॉस थीटा इज इक्वल टू W, है ना। तो देखो क्या होता आगे, यानी कि W इज इक्वल टू 2 पाई एस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए W को क्या लिख सकते हैं एम जी, अब बस वही करना वैसा ही, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो माना था, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, इस पूरे लिक्विड का है ये वॉल्यूम, इस पूरे लिक्विड का वॉल्यूम है, क्या करेंगे कि लिक्विड लिक्विड कैसा है, देखिए अब यहीं पर कहानी बदलती है, अब फोर्स सोर्स की हमें जरूरत नहीं, अब ये ऐसा, ये मेनिस्कस, ये हो गया इसका कॉनकेव मेनिस्कस जो बना दिया, लिक्विड यहां पर है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां, और यहां तो है ही, मैंने कहा ए बी ई और ये एफ, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पूरा लिक्विड हमें लेना है, ठीक है। इट्स ओके है कि इसका एरिया तो हमें क्या ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, एरिया इंटू हाइट होता है ना, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इंटू जी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर एस कॉस थीटा, ठीक है। तो एरिया हमें पता है इट्स पाई आर स्क्वायर, तो एरिया मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई आर स्क्वायर। हाइट का क्या करें, हाइट का क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहीं तक हाइट लेता हूं, इफ वी नेगलेक्ट दी पोर्शन ऑफ मेनिस्कस देन इट इज वेरी इजी टू हैंडल द प्रॉब्लम, है ना। सो वी विल कंसिडर दिस हाइट, सो वी इफ वी नेगलेक्ट दी मेनिस्कस पोर्शन देन हियर इट विल बी हाइट, इट इज एरिया, तो ये आ गया ये, है ना। तो हमने ये अजम्पशन लिया है, वहां पर लिखना है इसी के साथ में नीचे में, ओके पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, चलिए एच निकालना है तो बस निकल गया, एच इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी, बस हो गया, तो यही तो लाना था, एच इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी, इस आर आर बच जाएगा ना यहाँ पर, उसे तो भेज दो, है ना। चलिए तो ये तो आ गया सर, लिख लो इसे, हटा दें, अब
एच इज इक्वल टू 2s cos थीटा रो आर जी में, पहली बात इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो और इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो क्या हो। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो मतलब क्या है, ग्राफ ऐसा होता है। अच्छा, 0 से 90 डिग्री में क्या cos का कोई नेगेटिव वैल्यू आता है? नहीं, 0 से थीटा लेस देन 90 है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, cos थीटा पॉजिटिव होगा तो हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा नेगेटिव। दैट मींस हाइट इज नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा का टर्म नेगेटिव आ गया तो हाइट भी क्या होगी, नेगेटिव हो गई। हाइट पॉजिटिव आना मतलब क्या है, लिक्विड विल राइज, लिक्विड राइज, इसका लिक्विड डिप्रेस। हाँ ये तो पढ़ा था हमने, हाँ सर यही तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि थीटा लेस देन 90 डिग्री कॉन्टेक्ट एंगल तो हाइट राइज करता है, तो वही तो कर रहा है, समझे। हाँ, और हाइट चाहे राइज करे या डिप्रेस, फॉर्मूला यही रहेगा, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। ओके, चलिए अब हम आर के बारे में बात करते हैं, ये लिख लिए। चलिए, फ्रॉम हियर हाइट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब है। रेडियस ऑफ ट्यूब जितना छोटा लेंगे, रेडियस ऑफ ट्यूब जितना छोटा लेंगे हाइट उतना ही ऊपर बढ़ेगा, हाइट उतना ही ऊपर बढ़ेगा, हाइट उतना ही ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो हाइट उतना ही ऊपर हमने बढ़ा दिया, यहाँ तक है। चलिए ये भी हो गया, ओके ओके ओके। तो इसी के साथ अपना ये पोर्शन कंप्लीट होता है। एक छोटा सा पॉइंट हम और कंसिडर करेंगे, वो क्या है दिखाते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू, आज का अपने लास्ट टॉपिक है। चलिए बढ़िया है, मजा से करते हैं, स्टार्ट करें, करते हैं। चलिए, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ये लिखने के लिए पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक इसलिए ताकि आपका टाइम बच जाए, है ना, वरना मैं लिखते रहूँगा तो आप बोर हो जाएंगे। चलिए, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ क्या है, कि अभी हमने देखा था कि जब भी कोई कैपिलरी ट्यूब आप किसी लिक्विड के अंदर रखते हैं तो या तो वो लिक्विड राइज करेगा या डिप्रेस कर देगा। ठीक है, मान लेते हैं राइज कर गया, यानी आपने पानी में उसे पानी वाले कंटेनर में रखा, तो पानी के लिए क्या होता है, थीटा लेस देन 90 होता है, 90 मतलब राइज करेगा, और राइज करेगा मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है, और शेप कैसा बनाएगा, कॉनकेव। ठीक है, बढ़िया, तो राइज कर गया। अब ये कह रहा है, मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा है ना। फॉर ए गिवन पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूब द लिक्विड राइजेस अप टू ए हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हो मैं अगर उसी केस में अगर मैं 10 सेंटीमीटर का ट्यूब ही ना लूं, उसे राइज करना है कितना, 10 सेंटीमीटर, और मैंने जो ट्यूब लिया है उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की ट्यूब में 10 सेंटीमीटर कैसे राइज करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक आता है कि सर सिंपल है, पानी बाहर निकल जाएगा और क्या। नहीं, इन केस ऑफ कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ द लिक्विड विल नाइदर ओवरफ्लो फ्रॉम द अपर एंड लाइक ए फाउंटेन, फाउंटेन की तरह बाहर नहीं निकलेगा, नॉर विल इट टिकल अलोंग द वर्टिकल साइड ऑफ द ट्यूब, मतलब और ना ही ऐसा होगा कि पानी यहाँ से धीमे धीमे बाहर आ जाए, धीमे 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 नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है वो हम समझेंगे। स्टेटमेंट दिमाग में फिट कीजिए पहले, कि अगर आपने कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ का लिया है, कम हाइट का, कम लेंथ का लिया है और लिक्विड राइज करना चाहता है, तो लिक्विड बाहर नहीं आएगा किसी भी हालत में। ठीक है, क्यों नहीं आएगा वो ही हम पढ़ेंगे। वैसे उसका एक रीजन मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन मैं उसे थोड़ा अच्छे से डिस्कस करता हूँ। कि मान लेते हैं यहां तक हाइट राइज करना था, है ना, हम समझे, अभी सफिशिएंट हाइट का लिया है। चलिए, और यहां पर ये कंटेनर है,
ये एच हाइट है, यहाँ से ले लेते हैं हाइट, ठीक। और यहाँ ब्रेक पॉइंट है, यहाँ ब्रेक पॉइंट है, वैसे हम कर चुके हैं ऐसा। ये कौन सा साइड साइड है? कॉनकेव साइड है। ये कौन सा साइड है? कॉन्वेक्स। वी नो वी कॉनकेव माइनस वी कॉन्वेक्स इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू, अच्छा वहां लिख देते हैं, पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स इज इक्वल टू व्हाट? टू एस बाई आर, ठीक। लेकिन पी नॉट हमें पता है कि यहां लग रहा, ठीक है, कहां पर? कॉनकेव पर। तो कॉन्वेक्स निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये है पी नॉट माइनस टू एस बाई आर इज इक्वल टू व्हाट? पी कॉन्वेक्स। मतलब इस साइड पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? पी नॉट माइनस टू एस बाई आर होगा, वो तो हम जानते ही थे, मैंने फिर से बता दिया। फिर कितना हाइट नीचे आए? फिर हम इतना हाइट नीचे आए, है ना। चलिए, तो हुआ ये कि बॉटम पर प्रेशर कितना आ जाएगा भाई? यहां पर, यहां पर आ जाएगा, यहां पर प्रेशर P मानो तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू P नॉट माइनस टू एस आर एस बाई आर प्लस कितनी हाइट नीचे आए? रो जी एच। अगर लिक्विड का डेंसिटी क्या है? रो है, जितनी हाइट नीचे आए उतना ऐड हो जाता है, सही है। यहाँ पर इतना प्रेशर था, एच हाइट नीचे आए वो ऐड हो गया, यहाँ पर प्रेशर पी है वो टोटल प्रेशर पी लिख दिया। अब देखिए, ये जो प्रेशर पी था वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर है इस पॉइंट के साथ, और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना? पी नॉट। तो इस पर भी कितना होगा? पी नॉट ही होगा, क्योंकि बोथ आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड वी नो फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स एट हॉरिजॉन्टल लेवल ऑल द पॉइंट हैव सेम प्रेशर इफ फ्लूइड इन स्टैटिक। तो ये स्टैटिक है ना, खत्म। क्या जाएगा? रो जी एच इज इक्वल टू टू एस बाई आर, ठीक है, यहां तक हुआ। ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, एच का वैल्यू क्या जाएगा? टू एस अपॉन आर रो जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। क्या? देखिए कि अगर मैं हाइट बहुत कम लूंगा तो उससे पहले ये देखते हैं ये कांस्टेंट है फॉर ए गिवन लिक्विड, ये सरफेस टेंशन तो चेंज होगा नहीं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अगर मैंने वाटर ले लिया है तो वाटर का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, जो भी होगा 0.07 समथिंग जो भी है वो फिक्स हो जाएगा। फॉर ए गिवन लिक्विड डेंसिटी फिक्स है, जी फिक्स है। आर का क्या कहते हैं वो देखिए। एक्चुअली एच इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और स्मॉल आर होता है क्या? रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। अब मैंने इनसफिशियंट लेंथ लिया है, मतलब हाइट क्या है? कम कर दिया। हाइट क्या कर दिया मैंने? कम कर दिया। तो अगर हाइट कम कर दिया है तो क्या होगा? हाइट कम कर देने से रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा। मान लो आपने कुछ हाइट लिया ही नहीं है, ठीक है। इफ वी हैव टेकन हाइट टेंड्स टू जीरो देन आर विल टेंड्स टू इन्फाइनाइट, यानी कि किसी भी हालत में आप चाहे हाइट कितना ही कम कर दीजिए, रेडियस ऑफ मेनिस्कस फॉर ए गिवन लिक्विड खुद को इस तरीके से चेंज करेगा कि लिक्विड कभी बाहर नहीं जाएगा, यानी कि वो खुद का रेडियस इतना फैला लेगा कि वो कभी भी लिक्विड को बाहर नहीं जाने देगा। तो वही इसने यहाँ लिखा है, द एंगल मेड बाय द लिक्विड सरफेस विद द ट्यूब चेंज इन सच ए वे दैट फोर्स 2 पाई आर एस कॉस थीटा इक्वल्स द वेट ऑफ ए लिक्विड रेस्ट। यानी कि यहाँ पर ये एंगल क्या होता था? अब देखिए इसको भी समझते हैं, ये समझ में आया ना स्टेटमेंट? ये आया तो बेहतर है। चलिए इसको भी समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। यह हो गया कैपिलरी ट्यूब, अब इसमें यहां पर ये चंद्रमा बन गया, अभी आगे
ये हो गया लिक्विड सरफेस का टेंजेंट, ये हो गया सॉलिड का टेंजेंट, दोनों के बीच में एंगल थीटा लगेगा। यहाँ पर इसके टेंजेंशियल SBL कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, और ये क्या जाएगा, SBL cos थीटा। ये एक एलिमेंट्री पोर्शन पर था। कंप्लीट फोर्स अलोंग द पेरीफेरी कितना आता था, 2 π r s cos थीटा। और जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है उसका रेडियस क्या होता था, कैपिटल R, ठीक है। और जो ट्यूब है उसका रेडियस क्या था, स्मॉल r। उन दोनों के बीच में एंगल क्या था, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा ही था, सही है। और यहां से मैंने कहा था यू हैव टू चेंज कैपिटल R स्मॉल r cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। उसने क्या कहा, एंगल चेंज, एंगल क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ ट्यूब तो चेंज होने से रहा, चेंज क्या होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस चेंज होगा। तो हाइट टेंड्स टू जीरो तो आर टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि हाइट कम हुआ तो आर बढ़ गया, और आर बढ़ गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी कि जैसे जैसे हाइट कम ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या करेगा, खुद को एडजस्ट करेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कम ज्यादा होने से कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, कम ज्यादा होगा, समझे। तो ये था पूरा कंसेप्ट इसका, कि हाँ इनसफिशिएंट लेंथ लिया है तब भी वो ओवरफ्लो नहीं करता है, यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट एट योर ओन, ओके। या फिर आप घर में जो भी पिपेट वगैरह है, कोई भी स्ट्रो है उसको लीजिए, या फिर केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में आप ट्राई कर सकते हैं, कभी आपको मौका मिले तो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और अगले एक दो लेक्चर और होंगे सरफेस टेंशन के, उसके बाद ऑल ओवर सरफेस टेंशन का, ठीक है, चलिए बाय।